कैसे हैं आप सभी, होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आ गए हो गाइस एक और न्यू व्लॉग लेकर। तो गाइस मुझे यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता व्लॉग शूट करने के लिए, आज संडे था। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने ली थी ये न्यू बाइक TVS की राइडर, और आज इसकी ये पहली राइड है। तो मैंने अभी तक इस पर कहीं व्लॉग शूट किया नहीं है, लेकिन आज पहली बार इसे लेके जा रहा हूँ, और जो कि हमारे यहाँ से कोई 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है। तो आज मैं जा रहा हूँ, और आगे अवनीत जा रहा है, छोटा भाई है अपना, तो वो HF Deluxe बाइक पर है, और मैं अपनी बाइक पर हूँ, और पीछे बैठे अपने विशाल भाई। तो गाइस चलते हैं, फिर मिलते हैं आश्रम पे जाके। तो गाइस जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं करा है, जल्दी से जाके कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, और जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं मारकपुर आश्रम के गेट पर, और ये देख लो ये है गेट यहाँ का। तो चलते हैं आप अंदर, इसमें कर चुके हैं एंटर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं मारकपुर आश्रम पे, और ये है अपने अवनीत भाई, और वो बैठा है, वो खड़ा है पीछे कुणाल, और ये है मोंटी, और पीछे है चंदू, और ये लग रही है अपनी बाइक। तो गाइस बाइक देख लो, मैंने कराई थी ये टेपिंग वाइट कलर की जो दिख रही है तुम्हें पहिए में। तो पहुंच चुके हैं आश्रम पे, और दिखाते हैं अब आश्रम के थोड़े नज़ारे। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं आश्रम पर, और ये पीछे देख रहे होंगे आश्रम, ये आश्रम है, और इधर लग रही है अपनी बाइक, और यहाँ है हेलमेट। तो ये खड़े अपने अवनीत भाई, और ये मोंटी है तेंगे तेंगे, उसका छोटा भाई है तेंगे तेंगे का। तो गाइस चलते हैं फिर आश्रम पे, और वो भी मंदिर है, और दिखाता हूँ आपको आश्रम। तो गाइस ये काफ़ी पुराना आश्रम है, एक बार पहले भी आया था मैं यहाँ पे व्लॉग शूट करने, बट व्लॉग में यार वॉइस नहीं आई थी पहले। तो अब आप देख सकते हो ये मेन गेट आश्रम का, और ये पीछे मंदिर है इसमें, और यहाँ पे बाग है, आम के पौधे भी हैं इसमें, आम के पेड़ भी है, बेल पत्थर के भी है, लीची के भी है, काफ़ी बहुत सारे पेड़ है इसमें। और अभी दिखाता हूँ एक एक मंदिर पर जाकर तुम्हें। तो गाइस आ गया हूँ मैं कुछ इस मंदिर पर, और यहाँ आप देख सकते हैं ताला लग रहा है गेट पर, और अंदर बाबा जी की तस्वीर है, तो आप देख सकते हैं। मैं कुछ इस मंदिर पर फिर चलते हैं आगे और दिखाऊंगा आपको। तो गाइस यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है ये आश्रम, दूर दूर से यहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ाने आते हैं, दूर दूर से दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। तो दिखाऊंगा मैं आपको, आगे चलता हूँ। तो गाइस ये देखिए बाबा जी की झोंपड़ी है, और ये अंदर बाबा जी की तस्वीर रखी है, चलते हैं अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं श्री, तो यहाँ बाबा जी के चप्पल रखी है, और आप अंदर देख सकते हैं बाबा जी का आसन लग रहा है यहाँ पे, और सामने बाबा जी की तस्वीर है। तो ये कुछ ऐसा है, चलते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको बाहर से। ये दूसरा मंदिर था बाबा जी का, अभी और काफी मंदिर है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं सामने भंडारे भी लगता है, भंडारा चलता है यहाँ पर, भैया उस साइड बैठे हैं, अभी प्रसाद चल रहा है वहाँ पर, प्रसाद खा रहे हैं। और आपको दिखा दूं मैं उस साइड भी अभी एक मंदिर है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। सामने मंदिर इतना खास नहीं दिख रहा, इसमें जूम नहीं हो रहा, लेकिन सामने एक मंदिर है। तो गाइस ये भी बाबा जी की कुटिया है, और बताया जाता है कि आप भी वो रात को यहाँ पर आते हैं, और आपको अंदर थोड़ा दिखा दूं, अंदर उनके पैरों के निशान हैं। तो गाइस अब भी बताते हैं कि वो यहाँ पर आते हैं, दर्शन देते हैं लोगों को। मैं तो आज काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ, अब सेकंड बार आया हूँ मैं, दूसरी बार, तो इतना कुछ मुझे नहीं पता है इस आश्रम के बारे में, जितना मुझे पता है मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो उस साइड भी मंदिर है, और यहाँ पर प्रसाद देते हैं। तो यहाँ पर बाइक लग रही है, और उस साइड धूना चलता है, तो अपनी बाइक लग रही है वहाँ पे, और मैंने दिखा दिया आपको एक दो तीन तीन मंदिर दिखा दिया, एक पीछे है। तो गाइस आज भी यहाँ पर हर संडे बाबा जी के नाम का प्रसाद खवाया जाता है सबको। तो यहाँ बैठे अपने भाई और खाते हैं प्रसाद। तो गाइस भैया ने हमें प्रसाद खवाया, हमें बहुत बढ़िया लगा, तो थैंक यू भैया, तो बहुत बढ़िया लगा यार हमें।
भैया ने प्रसाद खवाया, और ये सारे भैया यहाँ आश्रम पे ही लगे रहते हैं थोड़ा काम करने में और प्रसाद बनाने में, खवाने में, साफ सफाई में। तो गाइस बहुत बढ़िया लगा मुझे, अपने भाई हैं टोनी भाई, अपने साथ है टोनी भाई, विशाल कहते हैं वैसे तो, और ये है विशाल नाम है। सबने आश्रम देख लिया है और प्रसाद भी खा लिया हमने। तो गाइस आ चुका हूँ मैं कुछ इस मंदिर पर, और ये पहले ही पड़ता है लेकिन हम आगे ही चले गए थे सबसे पहले, और अब हम जा रहे थे तो सोचा इसे भी दिखा के चले। तो यहाँ पे बहुत ही मन लगता है यार मेरा आके, देखो इस साइड भी मूर्ति है और वहाँ भी, और इस साइड भी, यहाँ पे चारों तरफ मूर्ति हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ही बढ़िया हॉल बना रखा है, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, बहुत ही मन को शांति मिलती है। तो अंदर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं आप मूर्ति, और ऊपर भी दिखा दूं आपको कितनी ऊपर तक बना रखा है। तो गाइस ये पहले ही पड़ता है, तो गाइस ये पहले ही पड़ता था लेकिन हम डायरेक्ट थोड़ा आगे चले गए थे क्योंकि आगे थोड़ा ज़्यादा मंदिर है और यहाँ पर एक ही है, तो सोचा क्यों ना पहले आगे शूट कर लिया जाए और फिर पीछे आ गया। तो मैंने आपको दिखा दिया ये वाला मंदिर भी और अगला भी। तो गाइस मुझे जितनी इस आश्रम के बारे में जानकारी थी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, इतनी खास जानकारी मुझे नहीं थी क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं आता हूँ, तो मुझे जितनी भी जानकारी थी मैंने आप सभी को बता दिया है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूँ, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है, बाय।